वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स उम्मीद है सब ठीक होंगे uh, कब भाई पूछ रहे थे कि करीम भाई युगांडा की वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या ऑन अराइवल आ सकते हैं अभी जो सिचुएशन चल रही है तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ऑन अराइवल नहीं आने देंगे अब आपको क्योंकि लास्ट मैंने वीडियो भी अपलोड की थी इसमें कीनिया में जिस तरह कोई इशू बना तो युगांडा और कीनिया दोनों ने भी ऑन अराइवल जो वीज़ा है वो खत्म कर दिया है तो आपको वीज़ा पहले हासिल करना है इनका अप्रूवल लेटर होता है बेसिकली जरा क्या का ई वीज़ा होता है युगांडा का अप्रूवल लेटर लेना होता है उसके लिए पासपोर्ट की स्कैन कॉपी आई कार्ड की स्कैन कॉपी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और येलो फीवर वैक्सीन ये चार चीज़ें मस्त हैं अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं खुद कर रहे हैं नो no प्रॉब्लम हमारे थ्रू करवाना है तो आप मुझे बता दें व्हाट्सअप कर लीजिएगा तो आपका अप्रूवल लेटर हम आपका प्रोसेस करवा देंगे लेकिन ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा येलो फीवर वैक्सीन मस्त है उसके बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं होगा और दूसरी चीज़ करोना वैक्सीन जो आपकी दोनों डोज हैं वो भी कम्प्लीट हो जाएँ क्योंकि अब एक तो और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका पीसीआर टेस्ट रैपिड टेस्ट जो है वो भी होगा पीसीआर टेस्ट तो वहाँ से होगा रैपिड टेस्ट एयरपोर्ट पे भी इन्होंने अब शुरू कर दिया है तीस डॉलर ले रहे हैं अच्छा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये भी साथ बता दूं कि आपने जो येलो फीवर वैक्सीन है उसके हवाले से कि एक हफ़्ता पुरानी होनी चाहिए यानी ये नहीं कि आपने आज ही वैक्सीन लगवाई और कल ही आप ट्रैवल कर लें अगर आप युगांडा का प्लान है तो एक हफ़्ता पहले आप वैक्सीन लगवा लें और कार्ड आपके पास जब आए तो वो एक एक हफ़्ता पुराना होना चाहिए तब जाके आपको एयरपोर्ट से वो यहाँ पर इन होने देंगे वरना अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट हुई एक दो भाइयों के साथ तो मैंने कहा वो भी आपको अपडेट कर दूँ साथ दैट इट uh, कोई क्वेश्चन हो अभी मैं 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 मैद आया हुआ था अगर आपको थोड़ा सा आई डोंट नो कैमरा ये चेंज आई थिंक नहीं होगा मैं अपने दूसरे चैनल पे भी लाइव आऊँगा उसमें आप मुझे ज्वाइन करिएगा आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे कि जहाँ पे बैठा हूँ युगांडा में, में ज़्यादा रुकने की वजह क्या है खैर खैरानीवेज दैट्स इट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक दौड़ की दरखास्त करीम चाल आपको सलाम क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर कर सकते हैं मैं कोशिश करूँ उस पर अपडेट करने जैसे ये रिक्वायरमेंट किसी ने पूछी थी मुझसे और वैसे ऑफिशियल जो फीस है साथ में ये भी अपडेट कर दूँ ऑफिशियल जो फीस है वो फ़िफ्टी डॉलर्स है आप ऑनलाइन पे करते हैं दो तो दो तीन डॉलर वो टैक्स होता है उसके बाद ट्रांजेक्शन जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं तो करते करते आपका नौ दस हज़ार मतलब जो है वो लग जाता है अगर आप ख़ुद भी अप्लाई कर रहे हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल दैट्स एट अल्लाह